आरण जिले के पानापुर थाना परिसर में थाने के एक पीएसआई द्वारा भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद भीम आर्मी के सदस्यों ने थाना के मुख्य गेट पर जमकर हो हंगामा कर दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष इसुआपुर थाना क्षेत्र के गम्हरिया निवासी राजेंद्र रोशन पानापुर थाना में एक मामले के निपटारे को लेकर पहुंचे थे, जहां उनके साथ थाना के पीएसआई धीरेंद्र कुमार के साथ संविधान पर बहस होने लगी और बहस होने के बाद विवाद इस कदर बढ़ गया कि दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई, जिसमें जिलाध्यक्ष घायल हो गए। घायल जिलाध्यक्ष का इलाज सीएससी पानापुर में कराया गया। इस घटना की सूचना के बाद भीम आर्मी के सैकड़ों सदस्यों ने थाना पर पहुंचकर हंगामा करते हुए उक्त पुलिस पदाधिकारी को सस्पेंड करने की मांग करने लगे। सूचना के बाद वरीय पदाधिकारी पहुंचे और मामले की छानबीन की। रिपोर्ट हलचल न्यूज 24 छपरा। राजेंद्र रोशन श्री मनमिशान जिलाध्यक्ष छपरा का। और कुछ पूछिएगा, खुद अपने से बताएंगे। बोलिए क्या घटना हुई, घटनाक्रम क्या हुआ। एक बकवा के एक औरत थी, उनका नाम है शिल्पी देवी। तो उन्होंने मेरे पास कॉल की और कॉल करके बोली कि सर मेरा शादी पहले से हुआ है, लेकिन जब मेरा शादी हुआ, जिस लड़की से शादी हुआ था उसका भी पहले से एक शादी हुआ था, तो शादी उसका भी पहले हुआ था, लेकिन पता नहीं चला क्यों छूटा क्यों नहीं छूटा। दूसरा जो शादी है इसे किया था, अब इसी शादी करने के बाद फिर एक और लड़की को यहाँ से लेकर वो भाग गया वहाँ से लड़का। उसी संदर्भ में आप यहाँ आए? हाँ, तो उसी समय यहाँ पे आए थे हम। तो हम पूछे प्रभारी लोग से कि क्या सर ये जो यहाँ पे आई हैं पहले आवेदन दी है? तो बोले कि आवेदन दी है, तो वही कार्रवाई। तो मैं अब कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, तब आप बोले काम किया कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तो फिर आवेदन जो आप आए हैं तो दे दीजिए, ताकि उस पर हम अपना कार्रवाई हम करेंगे। तो हम आवेदन लिखने लगे बड़ा वहाँ से हट गया। जब बाबू बड़ा वहाँ से हटे हैं तो आवेदन जो हम लिखे वो गए हम अंदर देने के लिए। तो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनसे बोले कि सही आवेदन दीजिए। तो बोले कि ना हम आवेदन हम नहीं लेंगे, हम कहें नहीं दीजिएगा। तो बड़ा बाबू नहीं है, बड़ा बाबू ने कहा आप है ना जी, आप आवेदन दीजिए। तो बोले कि ना हम नहीं लेंगे, हम कहें नहीं दीजिएगा आवेदन, ऐसा ही गाँव आएंगे तो लेंगे। तो बोले तब जब नहीं तो कुछ ही छोड़िए। तो बोले कि तुम कहो तो तुम कुछ छोड़ने वाले हम जानते हैं भाई। हमने नाम पूछा तो नाम रिजर्वेशन बताएँ, पिता का नाम बताएँ, उसे थोड़ा सा दम मन खलबली लगा। और जैसे उठा उनको धक्का दिया, धक्का देने हम जो धक्का दिए, उसके बाद उनको फायर चलाया, आपके सामने दिख रहा है। अब फायर चलाने के बाद अचानक कब हुआ कि जब हमको हम पे फेरसा निकाल, फेरसा निकाल अभी जाकर जैसे वो थाना में फेरसा उसमें लगा हुआ है, थाना तो फेरसा निकाल, लेकिन कुछ लोग था दो तीन आदमी वही लोग छोड़ाया, तो मामला यहाँ पर सुना। अब हमारी मांग यही है कि जब तक वो देवेंद्र कुमार जो है ऐसा ही है, जब तक सस्पेंड नहीं होता है तब तक हम लोग नहीं करेंगे। अभी फिर हम आवेदन हम दे रहे हैं, सस्पेंड हो जाएगा हम लोग पुलिस को।